अभी अगले 4-5 दिन तक अगर हम देखें तो थोड़ा सा मिला जुला असर रहेगा। अभी जो है विंड अलग अलग डायरेक्शन से अभी भी आ रही है, खासकर जो पूर्वी विदर्भ है उसमें दक्षिण पूर्वी हवाएं आ रही है और पश्चिमी विदर्भ में उत्तर पश्चिमी हवाएं आ रही है। तो अभी टेम्परेचर ज़्यादा जो है पश्चिम विदर्भ का बढ़ रहा है। अभी कल अगर हम देखें तो हाईएस्ट टेम्परेचर अकोला में 44 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है, अमरावती में 43.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। तो अभी ज़्यादा गर्म जो है वेस्ट विदर्भ हो रहा है और हीट वेव की चेतावनी भी दी गई है अगले 3-4 दिन के लिए। तो वो खासकर वेस्ट विदर्भ के ही डिस्ट्रिक्ट्स में उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा रहेगा और वहाँ पे अकोला, बुल्ढाना, इस अमरावती, इसमें टेम्परेचर 45 क्रॉस कर सकता है 1-2 दिन में। ईस्ट विदर्भ में चूंकि दक्षिण पूर्वी हवाएं आ रही है तो यहाँ पे थोड़ा मॉइस्चर आ रहा है, तो थोड़ा सा लाइट रेन की पॉसिबिलिटी अभी भी बनी हुई है। इसलिए आइसोलेटेड एक दो जगह पे कोई लाइट रेन लोकल एक्टिविटी दोपहर के बाद में थोड़ी हो सकती है, लेकिन मोस्टली अभी गर्मी धीरे धीरे बढ़ेगी और टेम्परेचर बढ़ेगा। नागपुर में अभी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज नहीं हुआ है, 40 डिग्री अभी रिकॉर्ड हुआ है, तो यहाँ पे अभी हीट वेव की संभावना नहीं है। लेकिन वेस्ट विदर्भ में हीट वेव की संभावना 1-2 दिन के बाद में, मतलब 24 आवर्स के बाद में हो सकती है। तो सर ये नागपुर का अभी से स्पष्ट नहीं बोला जा सकता, क्योंकि अभी नागपुर जो है ईस्ट विदर्भ वाला जो विंड आ रही है उसके असर पे है, और अभी बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर बना हुआ है, तो वहाँ से थोड़ा मॉइस्चर अभी चल रहा है आना। तो इसलिए नागपुर में हीट वेव की संभावना अगर बनेगी तो लास्ट वीक में ही बनेगी, पर अभी कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है। मानसून के लिए अभी पॉजिटिव दोनों तरफ से इंडिकेशन है। अगर हम सैटेलाइट पिक्चर देखेंगे तो मालदीव के ऊपर में काफ़ी घने बादल हैं और केरल के कोस्ट में भी काफ़ी बादल हैं, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि अरेबियन सी ब्रांच जो है वो भी एक्टिव हो गया है। और जैसा कि आईएमडी ने फोरकास्ट किया है कि मानसून केरल में सामान्य से 1 दिन पहले 31 मई को वहाँ पे पहुँच सकती है, तो वो पॉसिबिलिटी दिख रही है। दूसरी तरफ अंडमान निकोबार में पहुँच चुकी है तो कुछ पार्ट में, बाकी पार्ट में भी अगले 24 घंटे में पहुंच जाएगी, वहाँ भी काफ़ी क्लाउडिंग दिख रहा है। तो दोनों ब्रांच जो है, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी ब्रांच जो है वो अभी एक्टिव है। दूसरा एक लो प्रेशर एरिया अभी बना हुआ है जो तमिलनाडु से आगे बढ़ के आंध्रा के तट के पास में है, तो वो नॉर्थवर्ड मूव करेगा, तो उसके साथ में भी काफ़ी मॉइस्चर आएगा। तो अभी दोनों ब्रांच जो है वो मानसून की एक्टिविटीज़ में बढ़ रही है, तो मानसून के लिए मतलब एक अच्छा इंडिकेशन है। सर यही प्रोग्रेस रहा तो क्या विदर्भ में मानसून ठीक समय